हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर मोटिवेटर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को मिनिमम किस रैंक तक एनआईटी मिल जाएगी, चाहे वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए। हम बताएंगे आपको कि जनरल के लिए क्या रैंक होनी चाहिए कम से कम, ताकि आपको एनआईटी मिल जाए। ओबीसी एसटी के लिए सबके लिए डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि सर मेरी ये रैंक है, मेरी ये रैंक है और मुझे कौन सी आईआईटी एनआईटी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सभी आईआईटी एनआईटी का अलग से डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहां का लाइफ स्टाइल और प्लेसमेंट रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी फ्रेंड्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी रैंक तक आपको एनआईटी मिल जाएगी, यानी मिनिमम क्या रैंक चाहिए आपको क्वालिफाई कर लिया जिन फ्रेंड ने। और बहुत सारे फ्रेंड जिन्होंने आईआईटी जेम क्वालिफाई नहीं किया, तो बहुत सारी आईआईटी एनआईटी में एससी एमएस की ब्रांच है जिनमें आप विदाउट आईआईटी जेम के स्कोर के आप एडमिशन ले सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। और किसी प्रकार की जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और एकमात्र यही चैनल है यूट्यूब का आईआईटी जेम गेट के फ्रेंड्स के लिए, जिनको 3 से 4 घंटे के अंदर हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल जाता है, और इसी चैनल पे प्रॉपर टीम काम कर रही है आपके लिए। तो पहले हम आपकी रैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी रैंक तक आपको एनआईटी मिल सकती है। तो पहले बात करते हैं हम जनरल के लिए। तो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आपकी 1900 तक आपकी रैंक बिलोंग करती है, तो आपको 100% एनआईटी मिल जाएगी। हो सकता है कुछ रेयर केस में आपको इससे थोड़ी ज्यादा रैंक हो, आपकी 2000 के आसपास हो, तब भी मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा आपका स्पेशल राउंड होता है, जब रेगुलर राउंड खत्म होने के बाद में उस कंडीशन में। और बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की स्टूडेंट्स आपको 3000 रैंकिंग तक आपको एनआईटी श्योर मिल जाएगी। या फिर आपको श्योरिटी में देता हूँ कि या फिर आपको मिल जाएगी, हो सकता है इससे थोड़ी ज्यादा हो रही तो भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है आपके स्पेशल राउंड में, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। अगर बात करें एससी या एसटी की, तो स्टूडेंट एससी एसटी की में आपको अगर आपकी रैंक 7400 तक है, तो आपको इस बार आपको एनआईटी मिल जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कौन सी एनआईटी मिलेगी, तो किस ये लास्ट मिनिमम रैंक है इस पे आपको लोअर एनआईटी मिलेगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन एनआईटी हो गई या फिर जो श्रीनगर एनआईटी हो गई। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो क्या ईडब्ल्यूएस का जो रैंकिंग है वो ओबीसी के आसपास बिलोंग करता है। अगर आपको काउंसलिंग में काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे को ये एनआईटी मिल जाएगी क्या नहीं मिलेगी, तो स्टूडेंट आपको बता दूं मैं, आपको आप सभी एनआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एनआईटी के लिए एलिजिबल हो, आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर जैसे डिग्री अलग टाइप की होगी, आपकी बीएससी ऑनर्स हो सकता है, मेजर हो सकता है, मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन में बीटेक या बीसी हो सकता है, तो फिर डिग्री टाइप पे डिपेंड करेगा। सभी एनआईटी में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल अपना एडमिशन अच्छी रैंक लाने के बाद में भी अपना एडमिशन खो देते हैं, क्योंकि वो गलत एनआईटी चूज कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक कंसल्टेंसी आपको आईआईटी जेएम की काउंसलिंग को लेकर दी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से एनआईटी में हम एडमिशन ले सकते हैं, किस किस में एलिजिबल है, इस टाइप की हर एक डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम का सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं, जिसमें हमारी टीम आपकी पूरी काउंसलिंग को हैंडल करेगी, आप निश्चिंत रह सकते हैं। और हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, और जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही लास्ट काउंसलिंग से लेकर आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, तब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलते रहेगी स्टूडेंट्स। और आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां पे रजिस्टर करके आप सब्सक्रिप्शन आप